अबरार की साइकिल पर सवार होकर संदीप यादव अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। संदीप मूलतः बैतूल जिले के निवासी हैं और वे बैतूल शहर में एक प्राइवेट शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। यादव आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी सुदृढ़ हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर मानवीयता के गुण होना परम आवश्यक है, जो उसकी मौलिकता है वह हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। यादव धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी हैं। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर संदीप यादव निकल पड़े हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ। इनकी यात्रा प्रारंभ हुई है दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को स्थान बैतूल से। आज यात्रा का दूसरा दिन छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा के साइकिल मित्रों ने यादव की अगुवाई की और उनके यात्रा के अनुभव और उद्देश्य को जाना। संदीप यादव बताते हैं, इससे पहले भी उन्होंने साइकिल से शिरडी, शेगांव, पचमढ़ी, खंडवा आदि धार्मिक स्थलों की यात्रा कर चुके हैं और अब ये निकल पड़े हैं अबरार साइकिल स्टोर बैतूल से किराए की साइकिल लेकर अयोध्या के लिए। अबरार ना सही लेकिन उनकी साइकिल तो जा सकती है अयोध्या। अबरार ना सही लेकिन उनकी साइकिल तो जा सकती है अयोध्या। कहीं ना कहीं यह बात सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूती से हमारे सामने पेश करती है। यादव द्वारा यात्रा के उद्देश्य में बताया गया कि आज आधुनिकता के दौर में लोगों को अपने खुद के लिए समय नहीं है। साइकिल यात्रा करने के कई लाभ बताए, जैसे कि प्रकृति का संरक्षण, वाहनों के निकलने वाले धुएं से मानव जीवन को होने वाले खतरे और एक शहर से दूसरे शहर की सांस्कृतिक विरासत, वहां का रहन सहन आदि बहुत नजदीक से जानने को मिलता है। छिंदवाड़ा के लोगों ने यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और इनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, मैं हर वर्ष करता हूँ कोई ना कोई यात्रा, तो इस वर्ष मेरी ये बैतूल से अयोध्या आध्यात्मिक यात्रा है। और इसके पहले मैं नर्मदा परिक्रमा पैदल पूरी कर चुका हूँ। इसके पहले शिरडी साइकिल यात्रा हो चुकी है, शेगांव साइकिल यात्रा, पचमढ़ी साइकिल यात्रा और खंडवा दादाजी धुनी वाले की साइकिल यात्रा में कर चुका हूँ। मैं बैतूल से ये छिंदवाड़ा, सिवनी, लखनादौन, जबलपुर, कटनी, मैयर होते हुए फिर यूपी में इंटर करूँगा। अच्छा, इलाहाबाद होते हुए? हाँ, प्रयागराज होते हुए। जैसे मैं एक टीचर हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ाता हूँ, तो मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि कोई भी पद पे अगर कोई व्यक्ति बैठ रहा है तो वो उसकी मानवता कैसी है। मतलब वो जैसे एग्ज़ाम तो कोई भी फाइट करके मतलब ले लेगा, लेकिन उस पे उस पद पे व्यक्ति कैसा बैठ रहा है, तो उसकी नैतिक शिक्षा क्या है। और मैं मेडिटेशन से उसको जोड़ता हूँ शिक्षा को, ताकि उसका जो मन है वो निर्मल हो। तो मेरा वही उद्देश्य रहता है पढ़ाते समय भी कि तो शिक्षा तो लेके चलना है, लेकिन उसके साथ उसकी जो दैनिक दिनचर्या है और लोगों से उसकी जो मानवता है, व्यवहार है, उसको लेकर मैं ज़्यादा काम करता हूँ। छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।